कोरबा में शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार एक कार पुलिया के रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में गिर गई। हादसे में चालक कार सहित नहर में बह गया। उसकी तलाश अभी भी जारी है, जबकि दो दोस्त किसी तरह से बाहर निकल पाए। उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार तेज होने के कारण अनियंत्रित हो गई। हादसा उर्गा थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक दर्री निवासी व्यवसायी कुशल दास महान, सीएसईबी कर्मचारी शंकर लाल कंवर और ड्राइविंग करने वाले रवि यादव तीनों दोस्त हैं। रवि एक सेठ की गाड़ी चलाता है। उन्हें दूसरे जिले में छोड़ने के बाद वह दोस्तों के पास लौटा था। इस बार सभी ने उर्गा के एक ढाबे में खाना खाने का प्लान बनाया। तीनों साथ में निकल पड़े। कार रवि ही चला रहा था। कोरबा चापा मुख्य मार्ग पर पहुंचे थे कि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और पुलिया का डिवाइडर तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। नहर में काफी पानी होने के चलते तीनों कार सहित उसी में फंस गए। इस दौरान कुशलदास महंत और शंकरलाल कंवर किसी तरह कार का शीशा तोड़कर बाहर आ गए, लेकिन रवि अंदर ही फंस गया। इससे पहले कि उसे बचाया जाता, वह कार सहित नहर में बह गया। स्थानीय लोगों ने हादसा होते देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है। वहीं पुलिस की टीम नहर में जाल डलवा कर कार की तलाश कर रही है। इसके अलावा रेस्क्यू टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। हालांकि अभी तक न तो कार का पता चल सका है और न ही रवि का। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।